अब गौरी का मिल्किंग करेंगे। देख लीजिए ये दो थनों का दूध है। आज हमारा चूल्हा बन जाएगा। छोटी खुरपी उठा लिए। हाँ इधर बोला। और दोस्तों देखिए ये बन के तैयार हो गया। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करी सभी लोग। हाय दोस्तों, हाय करो छोटी, हंस रही है। हाय, पहले ऐसे करती थी छोटी थी तो, अब नहीं कर रही है। चलो चलते हैं दोस्तों गायों का मिल्किंग करने। और 7 बज चुका है और ये देखिए बकरी का बच्चा लोग इधर बैठा हुआ है। और बाल्टी अर्चना की मम्मी धो करके यहाँ रख दी हैं। तो अभी छोड़ते हैं लक्ष्मी को और मिल्किंग चालू करते हैं। यहीं खड़ी रहो। हाँ यहीं पे खड़ी रहो, यहीं पे रहो। चलो लक्ष्मी चलो। देखिए आकर के पीने लगी। और दोस्तों देखिए गायों का मिल्किंग चालू कर दिए हैं। और छोटी आ गई है दूध निकालने। दूध निकालो, निकालो निकालो छोटी, दूध निकालो। हाँ सर ये दूध निकालो। अभी निकालो दूध, दूध निकालो छोटी छोटी। और लक्ष्मी पी रही है देखिए उधर। बांधिए इसको, बांधिए। अपना हिस्सा पी चुकी है, अब ऐसे मारेगी, ऐसे मारती रहती है। हाँ बांधिए उसको, वहाँ नहीं बांधिए, वहाँ से अभी ये फिर लटकेगी। देखिए अभी बढ़ जाएगी आगे, ले जाइए जहाँ रहती है वहाँ। इधर पास में लाओ अर्चना, निकालो छोटी दूध निकालो। हाँ दूध निकालो। देखिए छोटी दूध निकालने आई है। हाँ दूध निकालो, पकड़ो दूध निकालो छोटी। मारेगी मारेगी। और देख लीजिए इसका स्वभाव। अभी छोटी इसको एकदम परेशान कर देती है लेकिन हटेगी नहीं। और देखिए अभी दो थनों से मिल्किंग कर रहे हैं। बाल्टी भरने वाला है, का है खुदी में चढ़ोगी, चल जाओ। देखिए गोदी में बैठ गई। हो छठी, हाँ। और दो थनों से देखिए बाल्टी भर गया, दो ही बाट से बाल्टी भर दिए। देख लीजिए ये दो थनों का दूध है। और क्या खिलाते हैं बहुत से लोग सोचते हैं, तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में। वो बाल्टी लावर से उसमें पलट दें। हाँ लेके आओ, हाँ और पीछे जाओ दिखाओ। और देखिए दो थनों का मिल्किंग है। अभी फिर इधर एक थन का और निकालेंगे। एक थन वाला वो पीती है लक्ष्मी, तो इसका भी निकाल लेते हैं एक थन का दूध। उसके बाद चलेंगे गौरी का मिल्किंग करने। और निकालो, पकड़ के निकालो। हाँ निकालो, तो जल्दी जल्दी इसका मिल्किंग करते हैं दोस्तों। एक थन का और बचा हुआ है। और दोस्तों देखिए गौरी के पास आ गए हैं और इसका भी मिल्किंग चालू कर रहे हैं। पता नहीं इसके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ गया है।
बार बार लात उठा रही है मिल्किंग के टाइम, दूध जब निकालना तब, और एक दिन दूध गिरा दी थी और बार बार पैर उठा के इधर उधर हो रही है, पहले ऐसा नहीं करती थी। तो इसका भी मिल्किंग कर लेते हैं दोस्तों। हाँ बोला बोला बोला, हेलो दोस्तों, पापा आ गए दूध दे करके बाजार से, बोलो। और दोस्तों देखिए, दोपहर का समय हो गया है और बाजार से दूध दे करके आ गए हैं, और दोपहर नहीं, इस समय लगभग 3:30 हो रहा है और हम बाजार में काम पर रुक गए थे, तो अभी 3:30 बजे आए हैं, तो 4 बज जाएगा, खाना वाना खाएंगे, और थोड़ा तालाब घर में काम है, चूल्हा जो है उसका, उसको सुधियाना है, बनाना है, और गायों को खिला रही हैं अर्चना की मम्मी। देखिए इधर गौरी खा रही है, अब इधर देखिए, उतर जाओ, उतर उतर, हाँ अब लो जाओ, देखिए उतर नहीं रही है, जाओ जाओ जाओ, और देखिए इधर ये खा रही है अतवरिया, और इधर शीतल खा रही है। शीतल क्या खा रही हो बता दो। अभी इसको दाना बना करके अर्चना की मम्मी खिला रही हैं, तो ये लोग खा रहे हैं। अभी छांटी डाल देते हैं, थोड़ा चारा कम हो गया है, तो हम लोग छांटी बोलते हैं अपने भाषा में, तो डाल के और तब चलेंगे तालाब घर में। और देखिए इधर बना करके गर्म है, तो बाल्टी में अभी ये रखी हुई हैं, ठंडा होने के लिए ज़्यादा पानी डाल दी हैं, तो अभी चारा डालते हैं और इसको डाल करके और तब चलेंगे तालाब घर में, दे देते हैं। अब इसको सानी बना देंगे, ये खाती रहेगी, और हम लोग चलेंगे तालाब घर में। खाओ, थोड़ा सा शीतल को दे देंगे इसमें से। अब ये खाएगी ऐसे, और इसमें जो बचा है शीतल को देते हैं। लाओ शीतल, हाँ अब ये भी अपना खाती रहेगी, दे दी हैं इसको, और चलते हैं दोस्तों अब हम लोग तालाब घर में। और दोस्तों देखिए, हम लोग तालाब घर में आ गए, और इसको ये उजाड़ दिए हैं चूल्हा, तो इसको हम लोग बनाएंगे पूरा ही। बाबू आकर के अर्चना यहाँ पर खिलवाड़ बनाए हैं घर ओर के जैसे, तो अभी इसको बनाते हैं, देखते हैं कि चूल्हा बन जाएगा, सब एकदम सूख गया, बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। तो इसको हटाइए ये सब, और दोस्तों देखिए काम चालू हो गया इधर, ये सब इसको माटी जो है मिट्टी सब नीचे गिराना पड़ेगा, और दूसरा मिट्टी ला करके और तब इसको बनाएंगे, ऊपर ऊपर ही गिराइएगा। और देखिए ये पूरा इधर तालाब भर चुका है हमारा मेटंगा से, इसको हटाने में बहुत मेहनत लगेगा दोस्तों, बहुत, बाप रे बाप, इधर नहीं था ये भी पूरा छाप दिया, देखिए अच्छा जी, हाँ हाँ। और इधर देखिए चूल का साइज देख रही हैं, ईंटा वटा लगा रही हैं खूब, और वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे, वहाँ से किनारे से, इधर पानी बहुत ज़्यादा है और इस समय ढुकने का मन नहीं कर रहा है, और पवन जी भी आ गए हैं, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये ना देख रहे हैं चूल कैसे, हाँ पवन जी देख रहे हैं चूल बन रहा है तो तालाब घर का, इस पर पहले पहले क्या बनेगा बताइए, हाँ तो खीर और बनाएंगे पूड़ी, हाँ तो अभी वहाँ से लेके आते हैं, वहाँ से मिट्टी चलते हैं उधर से और लेके आते हैं, सर यही है हम लेके आ रहे हैं मिट्टी। और दोस्तों देखिए ले लिए हैं बाल्टी और आ गए हम यहाँ किनारे, यही तालाब के किनारे से मिट्टी निकालेंगे, यहाँ से किनारे से निकाल करके तब लेके चलेंगे तालाब घर में। और दोस्तों देखिए एक बाल्टी निकाल लिए हैं, बहुत वजनदार मिट्टी है, और चलते हैं हम लेकर के इसको, कहा है बाबू
बाबू देखिए क्या किया है, क्या किया है? ये देखिए खेल रहा है यहाँ पर, चलो खेलो। अरे गाय लोगों को देखते रहो, जाके देखो खा चुकी है। लेके चलते हैं दोस्तों इधर, और गीला मिट्टी है, बहुत वजनदार है, इसमें पानी एक बाल्टी जितना वजन नहीं रहता उतना इसका वजन है। और ये देखिए छोटी क्या कर रही है, बाप रे बाप, आज हमारा चूल्हा बन जाएगा। छोटी खुरपी उठा लिए, हाँ इधर बोलो। ये देखिए मिट्टी ला दिए, यहीं पर पलट दें हाँ, तब तो ये पूरा दहिया में लगाएगी इसको, हाँ ये ले, हाँ हाँ ये मिट्टी ठीक है एकदम बढ़िया है, साइज बढ़िया करिए ना इसको। अब दोस्तों देखिए एकदम बढ़िया से ईंटा को बैठा दिए हैं साइज जहाँ पे चाहिए, और इधर देखिए मिट्टी को अब पलटने जा रहे हैं, और छोटी देखिए क्या कर रही है। और दोस्तों देखिए ये बन के तैयार हो गया, ए मिट्टी लग रहा है पीछे हटिए, देखिए साँचा तैयार कर दिए हम लोग। अब जब ये सूखेगा थोड़ा तब इसको बढ़िया से बनाया जाएगा, और इस पर लगा करके एकदम बढ़िया से बना देंगे हम लोग। दोनों आदमी मिल के बना दिए, और उधर देखिए छोटी है, ए अर्चना गिर जाएगी, उधर नहीं लेके जाओ, पहन चुकी है। हाँ देखिए अर्चना उधर खिला रही है छोटी को, दोनों बहन खेल रही है। हैं चलते हैं दोस्तों हम लोग, अब गायों को देखते हैं, आ जाओ छोटी, चलिए आ जाइए। और दोस्तों देखिए तालाब घर से हम लोग आ गए, चूल्हा बनाया हुआ काम हो गया, और इधर हाथ पांव धो रहे हैं, और छोटी को देखिए, और अर्चना इधर है। और चलते हैं हम गाय को देखते हैं, गाय लोग खा चुका हैगा होगा, और ये देखिए इन लोगों को आ गया है, और ये थोड़ा सा छोड़ी हुई है, और ये भी थोड़ा सा, ये भी छोड़ी हुई है, हरा चारा है, तो अभी इन लोगों को और थोड़ा खिला लेते हैं, और उसके बाद यहाँ धुआँ जलाएँगे, और तब काऊ मिल्किंग करेंगे शाम में। और अब इसका मिल्किंग करना चालू करते हैं, दूध के लिए एक दो आदमी आ गए हैं, तो अभी दूध निकालते हैं। छोटी रो रही है, पूरा रात परेशान कर रही है। रात में बहुत रो रही है, रात को 2 बजे रात में उठ कर बहुत रो रही थी, तो लेकर के बाहर घूमे बहुत देर, तब जाके चुप हुई। इसको बांधिए बांधिए बांधिए, इसको पी गई है। और दोस्तों देखिए इसका मिल्किंग अब होने वाला ही है, तीसरा बाट निकाल रहे हैं, 2 बाट दूध निकाल चुके हैं, और तीसरा बाट निकाल रहे हैं, 1 बाट पूरा बछिया को पिला देते हैं। अब गौरी का मिल्किंग करेंगे, ये देखिए बाल्टी भर गया। छोड़ दीजिए उसको, अब गौरी का मिल्किंग करेंगे, तो इसका भी मिल्किंग चालू कर देते हैं। और इधर से दिखा, और दोस्तों इसका भी मिल्किंग हो गया, अब चलते हैं उन लोगों को दूध दे देते हैं। और दोस्तों देखिए दूध निकाल चुके हैं गायों का, और इनको खिला रहे हैं, और खिला क्या रहे हैं, ये लोग खा चुका है एकदम फाइनल, देखिए टब पूरा खाली कर चुकी है, और ये देखिए शीतल भी इधर खा चुकी है अपना, और बैठ के चुपचाप जुगाली कर रही है।
इधर इसमें मिर्चा जल रहा है और गौरी भी खा चुकी है, इसका भी टब खाली हो गया है। अब इसको हटाते हैं किनारे और अब हमारा भी खाने का समय हो गया है। गायों को खिलाने के बाद हम भी भोजन करते हैं। और ये देखिए बाबू इधर है और पवन जी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। बाबू खाली हो? हाँ। तो अभी हम भी चलते हैं खाना खाने। दोस्तों पवन जी खाइएगा, खा लीजिए। अच्छा खा लीजिए, हम ही खा ले अकेले। देखिए अब इधर खाना लग गया है, सब्जी रोटी और दूध और पानी और इधर बैठने के लिए। तो अभी बैठ करके खा लेते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग बाय कर दीजिए। बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।